सो हे गाइस, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, यूट्यूब की तरफ से फिर से तीन नए अपडेट आ चुके हैं, जो कि दोस्तों बड़ी ही कमाल का अपडेट है और दोस्तों उन लोगों के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है जो अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये तीन नए अपडेट क्या है और इसका क्या कमाल होने वाला है। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये तीन अपडेट क्या है और इससे आप लोगों को क्या फायदा होने वाला है। दोस्तों फर्स्ट अपडेट जो है, जो कि काफी ज्यादा कमाल का है और दोस्तों ये जो है स्पेशल है शॉर्ट क्रिएटर के लिए, जो यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो बनाते हैं उनके लिए ये अपडेट काफी ज्यादा कमाल का है। क्योंकि दोस्तों ये जो अपडेट है इसमें एनालिटिक्स जो है वो अब यूट्यूब एप्लीकेशन में ही दे देगा। दोस्तों पहले क्या था कि आप शॉर्ट वीडियो बनाते थे, उसका एनालिटिक्स आप देखने जाते थे YTA स्टूडियो एप्लीकेशन में। लेकिन दोस्तों अभी यूट्यूब क्या कर रहा है, यूट्यूब एप्लीकेशन में ही आपको एनालिटिक्स का ऑप्शन दे देगा, जो कि दोस्तों आप अपने शॉर्ट वीडियो का एनालिटिक्स वहीं से आप अपना देख सकते हैं। सो गाइस, ये सिर्फ शॉर्ट वीडियो के लिए है एनालिटिक्स, ना कि दोस्तों लॉन्ग वीडियो के लिए। लॉन्ग वीडियो के लिए आपको YTA स्टूडियो एप्लीकेशन से ही जाकर देखना होगा या फिर आप क्रोम ब्राउजर से जो यूट्यूब डेस्कटॉप पर जो खोलते हो वहां से जाकर आपको देखना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हो तो आपको यूट्यूब एप्लीकेशन में आपको कुछ इस प्रकार से जो एनालिटिक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि दोस्तों ये काफी अच्छा अपडेट है। ये पूरा टिकटॉक के जैसा बना रहा है, मुझे नहीं पता यूट्यूब क्या कर रहा है, लेकिन दोस्तों ये काफी अच्छा अपडेट है। सो गाइस, चलिए बात करते हैं सेकंड अपडेट के बारे में। तो दोस्तों ये जो सेकंड अपडेट है वो लाइव स्ट्रीमिंग मतलब करने वाले लोगों के लिए, जो अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं उनको ये अपडेट मिलेगा। दोस्तों उनको दो एक्स्ट्रा फीचर अब लाइव स्ट्रीमिंग करते समय मिलेगा, जिससे कि दोस्तों वो एक चीज से पता कर सकते हैं कि उनके चैनल पर जो व्यूअर आ रहा है वो मतलब करेंट व्यूअर जो है वो कितना आ रहा है और दोस्तों उसमें मतलब व्यूज कितना हो गया। दोस्तों पहले ये दिखाता था कि आपके लाइव में कितना लोग जुड़ा, ये नहीं बताता था कि आपका व्यूज कितना हुआ है। तो दोस्तों वो व्यूज दिखाएगा और सेकंड ये दिखाएगा कि आपका न्यू व्यूअर आ रहा है या ओल्ड व्यूअर आ रहा है, मतलब ओल्ड व्यूअर आ रहा है। तो दोस्तों ये दो अपडेट मतलब लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले लोगों के लिए, ये दोनों अपडेट है जो कि लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले लोगों के लिए है। सो गाइस, चलिए बात करते हैं थर्ड अपडेट के बारे में। तो दोस्तों थर्ड अपडेट जो है काफी ज्यादा कमाल का जो अपडेट है, दोस्तों ये अपडेट मुझे भी काफी अच्छा लगा। दोस्तों अब क्या होगा कि अब चैनल पर जो भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे वो रियल टाइम आपको दिखाएगा। यानी दोस्तों अगर आप अपने चैनल पर कोई भी वीडियो बनाते हो, आपके उस वीडियो से कितने सब्सक्राइबर इंक्रीज हो वो आपको 48 घंटे के बाद या फिर 24 घंटे के बाद दिखाता था, लेकिन दोस्तों अब आपको हर सेकेंड पर दिखाएगा। यानी दोस्तों अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब अभी किया तो फटाक देने आपको उस मतलब उस वीडियो में जाकर बता देगा कि आपके इस वीडियो से इतना सब्सक्राइबर इंक्रीज हुआ है। यानी दोस्तों आपको मतलब रियल टाइम लाइव सब्सक्राइबर दिखाएगा कि कितना काउंट बढ़ा है। सो गाइस, ये तीनों अपडेट आप लोगों को कैसा लगा, यही तीनों अपडेट था जो कि काफी अच्छा मुझे लगा। फर्स्ट और थर्ड अपडेट मुझे काफी पर्सनली अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।